हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम 2 से 3 दिन आप खा पाए ऐसा क्रिस्पी कुरकुरा दाल चावल का नया नाश्ता बहुत ही टेस्टी सा बनेगा। और इसे आप एक बार बनाकर 2 से 3 दिन तक चटनी या चाय के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 कप चावल, तो जीरा सर, परिमल या खिचड़ी वाले कोई से भी चावल ले सकते हो। उसमें 1/2 कप उड़द दाल और 1/2 कप चना दाल डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम मैंने चालू कर दी है और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 4 से 5 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो दाल और चावल है, मैंने पहले से ही गीले नैपकिन से वाइप करके फिर लिए हैं। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा धो के धूप में सूखा के भी आप इसे सेक सकते हो। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी और जैसे ही ये अच्छे से थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर देंगे। तो जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, हमें इसका आटा पीसना है। तो मिक्सर जार में हम पीस रहे हैं, इसलिए इसे थोड़ा सेक के ठंडा करके मिक्सर जार में डाल देंगे। आप चाहे तो 2 बैच में थोड़ा थोड़ा करके भी पीस सकते हो। तो दरदरा ऐसा आटा मैंने रेडी कर लिया है। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। तो तकरीबन 2 कप से थोड़ा ऊपर ये आटा है और अभी हमें ये बड़ा है खट्टा बनाना है, इसलिए हम उसमें 1/2 कप खट्टा दही, तो अगर आपके पास छास है खट्टा वाला तो उससे भी आप आटा लगा सकते हो। तो सॉफ्ट ऐसा आटा लगाना है। तो 1/2 कप मैंने दही डाल दिया। अभी थोड़ा थोड़ा करके 1/2 कप और पानी डाल के सॉफ्ट ऐसा आटा हम गून के इसे ढक कर 6 से 7 घंटे के लिए रखेंगे, ताकि ये वड़े हैं वो बहुत ही टेस्टी से खट्टे बनेंगे। तो ऐसा आटा मैंने लगा लिया, ऐसा प्रेस कर देंगे और कवर करके हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे। 6 से 7 घंटे के बाद ये एकदम अच्छे से थोड़ा खट्टा हो गया होगा और इसके वड़े है वो बहुत ही टेस्टी से बनेंगे। दाल चावल है वो भीग कर थोड़े इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। अभी हम उसमें 1/2 कप मेथी के पत्ते, 1/2 कप धनिया, अगर आपको मेथी नहीं पसंद है तो आप 1 कप जितना धनिया भी डाल सकते हो। मैंने दोनों इधर 1/2 कप धनिया और 1/2 कप मेथी डाल दिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार, तो 1.5 टीस्पून जितना मैं नमक डाल दूंगी। 1/4 टीस्पून जितना हींग डाल देंगे। 1 टीस्पून अजवाइन, थोड़ा मसल के ऐसे डाल देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। साथ में अदरक मिर्ची का पेस्ट, तो 1 से 2 टेबलस्पून जितना आपको तीखा कितना पसंद है उस हिसाब से आप डाल दीजिए। सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर ये बहुत ही खट्टा है और आपको थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए तो 1 टीस्पून जितना गुड़ है वो आप कद्दूकस करके डाल दीजिए। जब हम ये दाल चावल का आटा भिगोए तभी आप बहुत ज़्यादा पानी मत डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा तो आप वड़े बना नहीं पाओगे। तो ऐसा हमारा सॉफ्ट आटा अभी रेडी हो गया है। अभी हम उसमें 1 टेबलस्पून जितना गरम तेल, तो इसमें ही हमें वड़े फ्राई करने हैं, वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया। अभी आटे में 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और 1 टेबलस्पून गरम तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो कम भी डाल सकते हो, 1 चुटकी जितना भी डाल सकते हो। अच्छे से आटे के साथ गरम तेल और खाने वाले सोडा को मिक्स कर देंगे। अभी ये आटे से हम वड़ा बनाएंगे। अब चाहे तो गीली हथेलियाँ करके हथेलियों पर भी बना सकते हो, पर एक साथ ज़्यादा बन जाए इसलिए आप कोई चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, उसके पर गीला कपड़ा। तो मैंने कपड़े को गीला कर लिया और भी थोड़ा पानी वाला कर लिया। हथेलिया फिंगर को भी पानी वाला कर लीजिए, ताकि ये जो आटा है हाथ के साथ चिपके नहीं। ऐसा गोला बना लीजिए। आप चाहे तो ऐसे फिंगर पे आप इसे ऐसे प्रेस करके भी बना सकते हो, या फिर ऐसी लोइया बड़ी बना के आप ऐसे
फैला दीजिए, अगर चिपके तो आप थोड़ा पानी लगा लीजिए और ऐसे बना लीजिए। तो मैंने ऐसे 4 से 5 एक साथ बना लिए हैं, और जब आप उठाए तब आप उंगलियों को पानी वाला कर लीजिए और इस तरीके से हाथ में लेके गरम तेल हमने जो रखा है उसमें डाल देंगे। तो कढ़ाई में जितने वड़े आते हैं उतने एक साथ डाल दीजिए, और गैस की फ्लेम मीडियम रख के 1.5 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया। अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और वापस हम इसे 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और जैसे ये फुल कर क्रिस्पी से गोल्डन हो जाएंगे हम इसे निकाल लेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेगा एक टाइम फ्राई होने में। तो इसी तरीके से मैं सारे वड़े फ्राई करके निकाल दूंगी। तो ये वड़े हैं वो बहुत ही खाने में गर्मा गर्म टेस्टी लगते हैं, ठंडे भी अच्छे लगते हैं, आप इसे चाय के साथ ठंडे भी खा सकते हो। तो तैयार है, इसी तरीके से दूसरे में सारे बनाकर रेडी कर लूँगी। अब साथ में हम चटपटी सी टमाटर की चटनी बनाएंगे। उसके लिए एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें हम 1 से 2 टीस्पून जितना तेल डालेंगे, साथ में 4 से 5 लहसुन की कलियाँ उसे हल्का सौटे करेंगे, 4 लाल टमाटर, साथ में हम नमक 1/2 टीस्पून या फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, और टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। साथ में ही हम उसमें 4 से 5 सूखी लाल मिर्ची, तो इसे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और तीखी भी होगी। तो आपको जो भी वैरायटी के, तो चटनी कितनी तीखी बनानी है उस हिसाब से सूखी मिर्ची डाल दीजिए। और टमाटर अभी सॉफ्ट हो गए हैं, गैस की आंच बंद कर देंगे और 2 छोटे टुकड़े इमली के डाल देंगे, तो ये खट्टी बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनेगी। थोड़ी ही देर में इमली आप डालोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ी खटाई बैलेंस करने के लिए हम 1 टीस्पून जितना शक्कर या फिर आप गुड़ भी डाल सकते हो। तो अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो, पर इससे बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनेगी। और जैसे ही थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे, और साथ में थोड़ा धनिया, तो पहले मैं ऐसे ही पीस लूँगी और लास्ट में हम थोड़ा धनिया डाल के पल्स करेंगे। दरदरी सी चटनी और साथ में वड़ा आप सर्व करें। तो ये चटनी और साथ में चाय के साथ अकेले, तो आपको जैसे भी पसंद है ऐसे आप ये क्रिस्पी वड़े एक बार ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये रेसिपी को आप एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि गुजराती खट्टे वड़ा की रेसिपी या दाल चावल के नए नाश्ते की रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।